हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ अगर बात हो रही है तो वो हो रही है ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल की। तो उसी के बेस पे मैं बात करने वाला हूँ और उसी से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक भी लेकर आया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो स्क्रीन पे, ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्निक्स। ठीक है, मतलब क्या टेक्निक्स यूज किया जा रहा है ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, जिससे क्या हो सके सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन का ये एक पार्ट है। ठीक है, जिसका एम क्या है, जिसका एम है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी बिल्डिंग की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसको मिनिमाइज कर सके और प्रोवाइड कर सके एकदम बेहतरीन हेल्थियर और अच्छी एनर्जी और एफिशिएंट लिविंग स्पेस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टॉपिक लेकर आ गए हैं, कुछ मटेरियल से रिलेटेड टॉपिक जो वन बाय वन करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ताकि आपको सब कुछ आइडिया मिल सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है पहला रिसाइकल मटेरियल। ठीक है, अब देखिए रिसाइकल मटेरियल का अगर हम यूज कर सकते हैं, जो फालतू में वेस्ट पड़े होंगे जो एनवायरमेंट के लिए बेकार हैं, अगर उसको हम यूज में ले लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही वेस्ट हो जाता है। जैसे कि कोई वेस्टेज है जो लैंडफिल से है, उस रॉ मटेरियल को हम यूज कर लें। ठीक है, ऐसा कोई चीज है जिसको हम रिड्यूस कर सके, रिड्यूस मतलब जितने वेस्ट है उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, और उसको हम एनवायरमेंट से पहले नंबर तो उसको कम कर रहे हैं और दूसरा हम उसको कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज कर ले रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का मतलब ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए। जैसे कि आप देख सकते हो रिसाइकल स्टील है, रिसाइकल कंक्रीट है या रिसाइकल प्लास्टिक लंबर्स हैं। तो ये चीजें हैं जो मतलब एनवायरमेंट के लिए हेल्दियर हो सकते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, रिन्यूएबल मटेरियल। ठीक है, रिन्यूएबल मटेरियल मतलब जिसको दोबारा मतलब हम उसको यूज में ले सके वैसे मटेरियल। ठीक है, जैसे कि बंबू है, कॉर्क है, ठीक है, सस्टेनेबल है, हार्वेस्टिंग वुड है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल रिन्यूएबल मटेरियल है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। तो वो चीजों को हम लेकर अगर हम करते हैं तो काफी ज्यादा कुछ हम जैसे एनवायरमेंट से ही ले रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें हम मतलब उसको बनाने नहीं पड़ रहे हैं, हमें एनवायरमेंट से ही वस्तुओं को लेके और उस चीजों को यूज करके बना रहे हैं तो वो भी हमारे लिए काफी हेल्दी है। तीसरा है लो वीओसी। देखो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हम मार्केट में यूज करते हैं, जैसे कि पेंट है, एडेसिव है, सीलेंट है, ये सब चीजें हम यूज करते हैं, लेकिन हम अगर लो वीओसी मतलब उसी में लो क्वालिटी वाला जो यूज करते, लो क्वालिटी नहीं बोल सकते, लो लेवल का मतलब लो वीओसी हो, मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कम हो, ऐसे तरीके का यूज करें कि ताकि आपका मतलब जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क बन रहा है वो बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए चौथा देख सकते हैं, इंसुलेटेड कंक्रीट फॉर्म्स का हम यूज करें। आईसीएफ का नाम सुने होंगे, जैसे कि फॉर्म ब्लॉक है या पैनल फिल्ड विथ कॉन्क्रीट है, ऐसे अगर जब हम यूज करते हैं तो जैसे कि हमारे रिड्यूसिंग एनर्जी मतलब जो एनर्जी यूज करते हैं हम, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि गर्मी के दिन में अंदर ठंडी का महसूस होगा और ठंडी के दिन में गर्मी का महसूस होगा, जिससे कि हम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा यूज करते कंज्यूम करते हैं उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन रूफ। ग्रीन रूफ मतलब आपको जो छत है, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा इमेज को देखा, उस तरीके का अगर हो तो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्दी हो सकता है। जैसे ग्रीन रूफ आर कवर्ड विद वेजिटेशन से कवर कर दो या प्रोवाइडिंग इंसुलेशन कर दो, जिससे कि स्ट्रॉन्ग वाटर रन ऑफ जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, एंड मिटिगेशन द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को मिटिगेट किया जा सके। ठीक है, अर्बन हीटिंग आइलैंड इफेक्ट को हम मिटिगेट कर सके, इसके लिए भी ये टेक्निक अच्छी है। 6 पॉइंट सोलर पैनल का हम यूज करें, जिससे कि हम डायरेक्ट मतलब जो नेचुरल एनर्जी है जो जो काफी लोगों को मतलब हार्मफुल पहुंचाती है गर्मी के सीजन में, वो चीजें हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके अगर घरों में यूज किया जाए तो भी वो हमारे लिए एक बहुत ही बेस्ट
तरीका हो सकता है एनवायरनमेंट में जो इम्पैक्ट होने वाले हैं उसको बचाने के लिए, कम करने के लिए। सेक्स है जियो थर्मल, सेवेंथ नंबर जियो थर्मल हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, जियो थर्मल हीटिंग एंड कूलिंग जो हमारा हो रहा है, जैसे कि बोल सकते हैं जियो थर्मल सिस्टम का यूज करके अर्थ के जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट कर सकते हैं, हीट जो हो रहा है कूल हो रहा है उसको हम मतलब कांस्टेंट में रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हमारे एनवायरमेंट को हेल्प हो सकता है। एनर्जी एफिशिएंट विंडोज, ठीक है, इस तरीके का विंडोज प्रोवाइड करें जो जिससे कि एनर्जी एफिशिएंट उनको मिल सके। जैसे कि अभी दिन का मौसम है तो उजाला होना चाहिए घरों में, उसके लिए हमें घर में लाइट जलाने की जरूरत ना पड़े, तो इस तरीके का घर हो जिस प्रकार से वो दिन में उजाले मिल सके जिससे कि एनर्जी ज्यादा ज्यादा लॉस ना हो। ठीक है, इस तरीके का मतलब विंडोज प्रोवाइड हो। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जितने भी रेन वाटर होते हैं उसको हम बचा सकें, क्योंकि मैक्सिमम जो वाटर होते हैं वो सीधे सीधे कहाँ पे चले जाते हैं, सीधे सीधे समुद्र में चले जाते हैं, तो उसको बचा सकें जैसे कि उसमें हम इस तरीके का सिस्टम करें कि मतलब जो रेन वाटर है वो हम जो नगर पालिका से सप्लाई करते हैं वाटर उसको कम करके बारिश के पानी को हम यूज कर लें, जैसे कि उसको हम खेती में यूज में ला लें, टॉयलेट के फ्लशिंग में यूज कर लें। ठीक है, जिससे कि म्यूनसिपालिटी वाटर को जो डिमांड है उसको हम कर सकें। नेक्स्ट है पैसिव डिजाइन। ठीक है, पैसिव डिजाइन टेक्निक मतलब इसके ऊपर फोकस करता है कि एक बिल्डिंग के जो ओरिएंटेशन है, लेआउट है, ठीक है, मटेरियल को मैक्सिमाइज नेचुरल लाइटिंग हो सके, इस तरीके का हो कि मैक्सिमम नेचुरल लाइटिंग मिल सके, वेंटिलेशन हो सके, हीटिंग कूलिंग मिल सके, तो इस तरीके का ही मतलब हमें डिजाइन ही उसको इस तरीके से करना है कि ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका हम यूज कर पाए। ठीक है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेस की हमें जरूरत कम पड़े, जितना हो सके उससे कम पड़े। चले नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग। ठीक है, जैसे कि एलईडी यूज करते हैं, सीएफएल करते हैं, ठीक है, यूज लेस एनर्जी, ये क्या करते हैं मतलब कम एनर्जी लेते हैं और ज्यादा मतलब लाइफ स्पान भी इनका ज्यादा है, तो इनको हम मतलब जो बाकी जो यूज करते हैं उनकी जगह पे हम इसको यूज में लाएं कि ताकि इसकी एनर्जी कम कंज्यूम हो, जो आर्टिफिशियल एनर्जी हो उसको कम कर सके। फिर है परमिएबल पेमेंट। ठीक है, परमिएबल पेमेंट पेमेंट की जो बात कर रहे हैं वो क्या कर देता है, इसको यूज करने से क्या होता है कि हमारा जो रेन वाटर होता है ना वो इनफिल्ट्रेट होके ग्राउंड तक जाता है। ठीक है, अभी ज्यादातर देखेंगे कि यही तरीके का मतलब चाहे ग्राउंड है चाहे जिस पे हम पैदल चलते हैं ऐसी जगह पे इस तरीके का मतलब पेमेंट यूज किया जाए जिससे कि वजह से हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस इंसुलेशन हो, जैसे कि यूज ऑफ एडवांस इंसुलेशन मटेरियल अगर यूज करते हैं, जैसे स्ट्रे फॉर्म है, रिजिड फॉर्म है, सेलुलोज है, जो इम्प्रूव करते हैं बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी को। ठीक है, तो ये भी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। और वाटर एफिशिएंट फिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो लो फ्लो टॉयलेट, फ्यूसिट एंड शावर हेड हेल्प रिड्यूस वाटर कंजम्पशन इन बिल्डिंग। मैक्सिमम अगर मैं यहाँ पे पिक्चर्स अगर डालता तो काफी ज्यादा आपको समझ में आया कि जैसे कि आप देखे होते ये बर्तन धोने वाले जो होते हैं ना, तो उसमें इस प्रकार के वो एक मतलब उसमें लगा देते हैं जिससे कि मतलब पानी फवारे जैसे निकलता है, फवारे जैसे निकलने से हमारे जो यूज में होने वाले वो जिस काम के लिए है वो हो भी जाता है और वाटर कम कंज्यूम करता है, तो इस तरीके से हम वाटर जो वेस्ट हो रहे हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइफ साइकिल असेसमेंट, LCA की बात करने वाले हैं। ये क्या करता है कि एनवायरमेंटल जो बिल्डिंग की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं वो एक रिसाइकल साइकिल लाइफ साइकिल की तरह से है, जैसे कि मतलब रॉ मटेरियल है, एक्सट्रक्शन है, डिमोलिशंस होते हैं। ठीक है, टू मेक इनफॉर्म डिसीजन ऑन मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक, तो उसमें ये एसेस कर पाए, इस तरीके से ये टेक्निक है। ठीक है, जीवन चक्र की बात करें तो LCS ये जो कच्चे माल का निष्कर्षण से लेके जैसे डिमोलिशन तक का है, जैसे कि मटेरियल है उसके जो भी मतलब उसको बनाने के लिए जो तकनीक, सूचित निर्णय लेने के लिए किसी इमारत के पूरे जीवन चक्र के दौरान पर्यावरण जो प्रभाव का है विश्लेषण करना शामिल है। ठीक है,
ये चीजें उसमें इसमें ये जो एलसीए है उसमें ये चीजें शामिल है, तो उसको फॉलो करें ठीक है। और जो इस चीजों का जो मतलब निष्कर्ष निकलता है वो क्या चीजें बताता है कि मतलब जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल जो है और इसकी जो टेक्निक है उसको बढ़ावा किया जा सके ठीक है। जितने भी मतलब आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक एनर्जी है चाहे और भी एनर्जी का जो हम यूज कर सकें उसको कम कर सकें, जो ग्रीन हाउस गैस का जो भी मतलब उत्सर्जन हो रहा है, एमिशन हो रहा है ठीक है, वो उसको कम कर सके ठीक है। और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी वातावरण का है उसका योगदान बढ़ा सके ठीक है। और जितने भी मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें इस चीजों को बढ़ावा दी जा सके, तो इस पे ये मतलब ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल जो है उसके ऊपर वर्क हो रहा है कि ताकि एनवायरमेंट को बेहतर बना सके ठीक है। और एनवायरमेंट बेहतर रहेगा तो हमारे लिए ही बेहतर रहेगा, तो इसी के ऊपर ये वर्क हो रहा है। तो आप सभी जितने भी कंस्ट्रक्शन पे वर्क करने वाले हैं ये सब चीजों पे अगर ध्यान देते हैं तो काफी वो बेहतर हो सकता है ठीक है। तो आपके सामने ऐसे ही कुछ न्यू टेक्निक लाते रहेंगे, और कुछ शायद हो सकता है मुझे बताने में भी थोड़ी बहुत कमियां हो रही हो, लेकिन मुझे आशा है कि आप सभी इतने समझदार हैं आप समझ भी सकते हैं ठीक है। और भी नए नए जो टेक्निक्स हैं जो हमारे लिए हेल्दी है वो सारा कुछ मैं लेकर आता रहूंगा और आपके सामने बताता रहूंगा ठीक है। जो भी अगर अगर आगे की जो भी जानकारी हो तो आप तक पहुंचाता रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।